मेरे जहाँ के प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हैं हम रमज़ान फेस्टिवल में। तो आज की छोटी सी वीडियो के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि रमज़ान के जो बाज़ार हैं वो किस तरह से होते हैं। वीकेंड पे लगते हैं यूजुअली, तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं मिसिसागा के एक फेस्टिवल में। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे कलरफुल ट्रेडिशनल टर्किश डेकोरेशन का ये स्टॉल यहाँ पे लगा। बहुत ही वाइब्रेंट ब्यूटीफुल कलर्स के जो हैं यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस थे। फिर यहाँ पे ज्वेलरी का स्टॉल है जहाँ पे डेलिकेट अमेरिकन स्टाइल ज्वेलरी के साथ साथ साउथ एशियन ज्वेलरी भी है। झूमर, टीका, पायल जो आप आराम से जो है यहाँ से बाय कर सकते हैं आपके अपने ड्रेस के साथ, मुख्तलिफ कलर्स जो भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे अच्छी वैरायटी अवेलेबल है। थैंक यू। रमज़ान ईद का फेस्टिवल हो और वहाँ मेहंदी ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो मैंने जैसे ही स्टॉल देखा तो इससे पहले ही मेहंदी लगवा ली है। जब मैं स्टॉल पे पहुँची तो पता चला वहाँ पे मेरी तरह और काफ़ी लोग हैं जो कि ख्वाहिशमंद है लगाने के। खैर, मैं वहाँ वेट किया और फाइनली मेरी बारी आ ही गई। फिर हम क्लॉथिंग के स्टॉल्स की तरफ गए। यहाँ भी बहुत वैरायटी है और स्पेशली मॉमी एंड मी का सेक्शन, इसमें ट्विनिंग कर सकते हैं आप अपने बच्चियों के साथ ड्रेसेस के लिए। फिर यहाँ पे इस्लामिक डेकोरेशन है जिसमें मुख्तलिफ कुरानी आयात, दुआएं जो हैं वो रखी गई हैं। ज़्यादातर जो था वो हैंडमेड था। यहाँ पे जो डेकोरेशन की चीज़ें थी तो ये आपको कस्टमाइज भी बनाकर दे सकते हैं। यहाँ से हम लोग बाहर गए तो खाने पीने के भी कुछ स्टॉल थे, तो वहाँ से भी लोग इफ्तार जो है उसके लिए चीज़ें ले रहे थे, इफ्तार आइटम्स। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ज़्यादा हाफ़िज़।